आज सुबह सुबह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से खबर आई कि सुरेखा सीकरी जो हैं हमारे बीच में नहीं रही। ऐसे में उनके जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो भी, और जिन्होंने उनका काम देखा सराहाया उन्होंने भी। ऐसे में बालिका वधु में दादी सा का जो उनका किरदार है वो बहुत फेमस रहा। बालिका वधु दरअसल ऐसे सीरियल्स में से हैं जिन्होंने इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री की, अगर मैं कहूँ तो परिभाषा बदल दी। एक सोशल कॉज को लेकर भी कोई सीरियल इतना चल सकता है, ये बालिका वधु ने प्रूव किया था। बालिका वधु में छोटी सी जो बालिका थी अविका गौर, अब उन्होंने दादी सा को याद किया है। आप सोचिए, जब अविका ने ये सीरियल शुरू किया बहुत छोटी सी थी अविका, और ऐसे में जब सेट पर आपके साथ ऐसा लेजेंडरी एक्टर हो तो उनसे कितना कुछ सीखा होगा। उसी बात का जिक्र जो है अब अविका ने एक इंटरव्यू में दिया। वो कहती हैं, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ ये सुनकर, वो मेरे मेंटोर की तरह थी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो इंडियन सिनेमा की एक ग्रेट एक्टर थी और उन्होंने अपनी आने वाली जनरेशन को, एक्टर्स की जनरेशन को इंस्पायर किया है। मैं क्या बताऊँ इनके बारे में, उन्होंने जो मुझे सिखाया काम कैसे होता है, कैसे ग्रेसफुली किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया और मैंने तो अपनी जर्नी ही उनके साथ शुरू की। मेरे लिए एक आशीर्वाद है और वो मेरे लिए आशीर्वाद की तरह रही और उन्होंने मुझे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कहूँ। वो अपने किरदार में 100% डूब जाती थी और पूरी तरह उसे निभाती थी। तो इस तरीके से अब अविका गौर ने, यानी कि बालिका ने, दादी सा को याद किया है। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला, जज्ञा का किरदार निभाने वाले, उन्होंने भी आज दादी सा को याद किया है और उनको भी जब ये खबर पता चली तो वो भी बहुत ज़्यादा शॉक थे।